हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की तारीख है 12 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को, जिसमें हम पढ़ेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्न। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 11 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो है 2-3 दिन से करंट अफेयर की क्लास अपलोड नहीं करी थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम पढ़ेंगे 12 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 11 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 12 सितंबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो चंद्रयान 3 ने किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चंद्रयान 3 अगर पूछे कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट से अगर पूछे कि किस रॉकेट से, तो LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जो इसमें लैंडर लगा था चंद्रयान 3 में, उसका क्या नाम था? तो विक्रम नाम था। और जो रोवर लगा था इसका क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 में जो रोवर लगा था उसका नाम प्रज्ञान था। तो लैंडर था विक्रम और प्रज्ञान था रोवर, ये दोनों आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 अगर पूछे चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया था, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। कहाँ पर? तो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला अगर पूछे विश्व का पहला देश कौन बन गया, तो हमारा प्यारा भारत बन गया है, जो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। अगर पूछे कि जहाँ पे लैंड किया था, चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तो ये जो चांद का साउथ पोल है जहाँ पे लैंड किया था उसका क्या नाम रखा गया था, तो उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो चांद के जिस पोल पे लैंड किया था साउथ पोल पे और जिस जगह पे लैंड किया था उस जगह का क्या नाम रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को लैंड किया था 2023 में। इसीलिए 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसी चंद्रयान 3 में एक उपकरण लगा है जिसका नाम है ILSA। ILSA उपकरण यह लगा हुआ है चंद्रयान 3 में, जिसने चांद पर भूकंप के कंपन का डाटा संग्रह किया है। तो किसने किया है? ILSA उपकरण किया है, जो कि चंद्रयान 3 में लगा है और इसी के माध्यम से चांद पर भूकंप के कंपन का डाटा संग्रह किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि चांद पर लैंड करने वाले अब तक कितने देश बन चुके हैं, तो चांद पर अब तक पांच देशों ने लैंड किया है। एक तो सबसे पहले लैंड किया था USA, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे पर चाइना, चौथे पर अपना प्यारा भारत और पांचवें पर जापान। ये आपको पांचों देशों के नाम याद रख लेने हैं क्रम से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मून स्नाइपर मिशन, इसे जो है सिलिम मिशन भी कहते हैं, और यह मिशन भेजा गया था जापान के द्वारा। इस मिशन के द्वारा भी चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया था, लेकिन कुछ कारणवश यह मिशन जो है फेल हो गया। तो इसे भी आपको याद रखना है, मून स्नाइपर मिशन या तो सिलिम मिशन पूछे किस देश का मिशन है, तो यह जापान का मिशन है। और किसके लिए भेजा गया था? तो चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। लूना 25 यह मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो यह भी चांद के लिए भेजा गया था, चांद के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था, लेकिन इसकी जो है सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर नहीं हुई थी। और यह मिशन पूछे किस देश का है? तो यह मिशन रूस का है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में नौसेना अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो ओशन 2024 कैसा अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। किसने प्रारंभ किया है? तो रूस ने प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो ओशन 2024 यह रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। अगर पूछे कि इसमें किस देश ने भाग लिया है, तो इस अभ्यास में चीन ने भी भाग लिया है। रूस ने अपने 5 महासागरों में, मतलब जहां पर इसकी नेवी तैनात है वहां पर इसने अभ्यास किया है। तो नेवी के 5 बड़े महासागरों में इस बेड़े का अभ्यास किया गया है। तो ओशन 2024 का कहां अभ्यास किया गया है? 5 बेड़ों में इसका अभ्यास किया गया है। किस महासागर में? एक तो पहला किया गया है प्रशांत महासागर में, दूसरा किया गया है बाल्टिक सागर में, तीसरा किया गया है आर्कटिक महासागर में, चौथा किया गया है
कैस्पियन सागर में, और पांचवा पूछे कहाँ किया गया है, तो पांचवा भूमध्य सागर में किया गया है, कहाँ, भूमध्य सागर में। तो ये पांच बेड़ों का अभ्यास किया गया है किसके द्वारा, रूस के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, ओशन 2024 अभ्यास कहते हैं। यह नौसेना का अभ्यास है जिसमें चीन ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया और रूस के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, तो इंदिरा अभ्यास होता है। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, सिनुमित्री भी होता है। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष और अजय ओरियर अभ्यास होता है। इंडिया और चीन के बीच में हैंड टू हैंड एक्सरसाइज होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है, तो किसके सहयोग से भारत ने UKIIFB लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के सहयोग से लॉन्च किया है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो UKIIFB इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है UK से हो जाएगा UK यानी ब्रिटेन, आई से हो जाएगा इंडिया, फिर दूसरे आई से हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एफ से हो जाएगा फाइनेंशियल, और बी से हो जाएगा ब्रिज, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और अगर पूछे कि यूके यानी ब्रिटेन की तरफ से किसने भाग लिया है, तो ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया है सिटी ऑफ लंदन, और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है नीति आयोग ने भाग लिया है। UKIIFB का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अस्थाई और संरचना के लिए विकास के लिए जो है पैसे की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए भारत ने यह योजना शुरू करी है, जिसमें पैसे अगर पूछे कौन देने वाला है, तो पैसे UK देने वाला है यानी ब्रिटेन देने वाला है। यानी कि भारत जो है अपने यहाँ पे जैसे पुल बनाएगा या ब्रिज बनाने वाला है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा, तो उसमें जो है पैसे कौन देने वाला है, तो UK यानी ब्रिटेन पैसे देने वाला है। तो पूछ सकता है UKIIFB जो योजना शुरू किया गया है इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो नीति आयोग ने, और ब्रिटेन की तरफ से किसने भाग लिया है, तो सिटी ऑफ लंदन ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है, अस्थाई और संरचना के विकास के लिए यह योजना शुरू किया गया है। अगर पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है, नीति आयोग का फुल फॉर्म देखते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफार्मर इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और वहीं पूछे कि इसकी स्थापना कब होती है, तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होता है। किसके स्थान पर, तो नीति आयोग का निर्माण जो है योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर पूछे कि नीति आयोग का स्थापना किस एक्ट के माध्यम से होता है, तो यह किसी भी एक्ट के माध्यम से नीति आयोग की स्थापना नहीं होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी जी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो VVR सुब्रमण्यम वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेनिटल 2C उपग्रह का संबंध किससे है, तो फ्रांस से लॉन्च सेनिटल 2C उपग्रह का संबंध किससे है, तो यह उपग्रह है एयरबेस का, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सेंटिनल 2C उपग्रह, यह अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो एयरबस ने इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो वेगा रॉकेट से लॉन्च किया है। सेंटिनल 2C उपग्रह किसका है, एयरबस का। रॉकेट अगर पूछे किससे लॉन्च किया गया है, तो रॉकेट का नाम है वेगा रॉकेट। अब पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो यह उपग्रह लॉन्च किया गया है कोरू से, कोरू फ्रेंच गयाना से इसे लॉन्च किया गया है। अगर विश्व में पूछे कि सबसे अच्छा लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है स्थित है, तो कोरू में स्थित है, ठीक है। तो विश्व का सबसे सुरक्षित और सेफ अगर पूछे कि लॉन्चिंग पैड किस देश में है, तो कोरू फ्रेंच गयाना में है। यहीं से जो है सेंटिनल 2C उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस उपग्रह को लॉन्च करने का उद्देश्य है 100 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करना और अवलोकन करना, यानी पृथ्वी की जो गतिविधियां हैं और मौसम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना इस उपग्रह का उद्देश्य है, जिसको लॉन्च किया गया है एयरबस के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले इसरो ने जो है भारत में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है EOS-08 इसका नाम है। अगर पूछे किस रॉकेट से इसरो ने लॉन्च किया था, तो SSLV-D3 रॉकेट से इसरो ने इसे लॉन्च किया था। ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, यानी कि वेनेजुएला में पहले ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन अब गर्मी की वजह से पूरे के पूरे ग्लेशियर जो है पिघल चुके हैं, तो ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश पूछे कौन सा है, तो वेनेजुएला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पांचवा,
हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी जिसे PCAF कहते हैं पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला कौन सा बैंक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी व्याख्या देखें तो PCAF यानी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, इसमें जो है अगर बात करें कि पहला भारतीय बैंक कौन है जिसने इस पर हस्ताक्षर किया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। और PCAF का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस को का उपयोग कम हो और जलवायु का प्रबंधन किया जा सके। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन किया जा सके, इसके लिए जो है PCAF के तहत जो है भारत का पहला बैंक जिसने हस्ताक्षर किया है उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसने इस पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपना पहला बैंक खोला है, ब्रांच खोला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है अपने भारत में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो नागरिक उड्डयन एशियन प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो है दूसरा क्रम अगर पूछे कहाँ आयोजित किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वहीं पूछे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भारत की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भाग लिया है और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू जी वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और पहली बार पूछे कि नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन पहली बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2018 में किया गया था बीजिंग चीन में, और 2024 में कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन अगर पूछे इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1944 में की जाती है और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सातवां, हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चौथे क्रम का इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो यह जीता गया है सीरिया के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप चौथे क्रम का यह आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो आयोजन किया गया था भारत में। भारत में कहाँ पर? तेलंगाना में किया गया था। स्टेडियम का नाम पूछे तो बाल योगी स्टेडियम में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें पूछे विजेता कौन बना है, तो विजेता बना है सीरिया, और उप विजेता कौन बना है, तो अपना भारत उप विजेता बना है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गया है? सीरिया बना है और उप विजेता भारत बना है। अगर पूछे कि इसके टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड या फिर कहें तो अब्दुल रहीम ट्रॉफी किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है महमूद अल मवास को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड या अब्दुल रहीम ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो सीरिया के हैं। अगर बात करते हैं सीरिया की राजधानी का क्या नाम है, तो सीरिया की राजधानी का नाम है दमिश्क। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आठवां, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति का अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलामी की जाएगी? तो शत्रु संपत्ति का मतलब होता है कि बंटवारे से पहले जो व्यक्ति भारत में रहते थे, तो मान लीजिए यहाँ पे ये बंटवारे से पहले जो पूरा भारत एक में था, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता था, फिर इसे जब बंटवारा हुआ तो ये कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो उसकी संपत्ति जो है अभी भी भारत में है, तो इसी को जो है नीलामी करने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 लागू किया गया था। इसके तहत जो है नीलामी कहाँ पर की गई है, किसकी की गई है? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति जो उत्तर प्रदेश के ज़िले में है उसको जो है अभी नीलामी की गई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखें तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में यह अधिनियम आया था, यानी कि जो शत्रु देश हैं उनकी संपत्ति अगर भारत में है तो उसको 1968 अधिनियम के तहत जो है क्या किया जाएगा, नीलामी कर दिया जाएगा।
तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ, इनकी ज़मीन जो है कहाँ थी, उत्तर प्रदेश के बागपत में इनकी ज़मीन थी। इसको जो है क्या किया गया है, इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसे नीलामी कर दी गई है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ज़मीन कहाँ थी, बागपत उत्तर प्रदेश में थी, जिसका जो है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इसकी नीलामी कर दी गई है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अपने प्यारे हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ किया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो टील कार्बन अध्ययन पूछे इसका अध्ययन कहाँ किया गया है, टील कार्बन अध्ययन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। यह कहाँ पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसे जो है राजस्थान में या कहें तो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार भी कहते हैं, और यहीं पर जो है सलीम, और ये जो घना पक्षी विहार है इसे सलीम अली की कर्म स्थली भी कहते हैं, और जो है किसे कहते हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं सलीम अली की कर्म स्थली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो टील कार्बन कहाँ पर किया गया है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम हो, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती हैं उनसे जो है कार्बन और CO2 और मीथेन गैस का उत्सर्जन अगर ज़्यादा होता है तो उसे ही कहते हैं टील कार्बन। तो इसके अध्ययन करने के लिए किस केवलादेव को चुना गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अगर पूछे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। तो टील कार्बन उत्सर्जन का अर्थ क्या है, तो जो ये आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र भूमि है अगर ये खराब होने पर इनसे जो है मीथेन और CO2 का अधिक उत्सर्जन होता है, तो इसी के अध्ययन करने के लिए टील कार्बन कहते हैं, जिसको कहाँ पर किया जा रहा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। 1989 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं राजा रणधीर सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टुडो एलंगोगाटा कहाँ देखा गया है, तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ है जिसका नाम है इंडो टेस्टुडो एलंगोगाटा कहाँ देखा गया है, तो यह देखा गया है हरियाणा में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो इंडो टेस्टुडो एलंगोगाटा अगर पूछे कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय यह कछुआ है और यह कहाँ देखा गया है, तो अरावली क्षेत्र में यह देखा गया है। कहाँ पर, हरियाणा के अंतर्गत जो अरावली का क्षेत्र आता है वहाँ पर देखा गया है, और हरियाणा के अगर पूछे किस झील में देखा गया है, तो दमदमा झील में पहली बार इसे देखा गया है। इसे जो है, इस कछुआ को जो है इसे सालवान कछुआ भी कहते हैं, तो याद रखेंगे इस इंडो टेस्टुडो एलंगोगाटा अगर पूछे कहाँ देखा गया है, तो हरियाणा में देखा गया है, झील का नाम दमदमा झील याद रखेंगे, ठीक है, इसे सालवान कछुआ भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो यह UAE में स्थापित हुआ है। इसराइल की टावर और अडानी समूह $10 मिलियन के सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे, तो ये दोनों मिलकर जो है महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब हम देखेंगे 11 सितंबर के यानी कि कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया है, तो नेपाल बन गया है। इसकी व्याख्या देखें तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना पूछे कब होती है, तो COP 21 में होती है। COP 21 का आयोजन 2015 में होता है, और कहाँ पे होता है, पेरिस में होता है, और यहीं पर भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA की स्थापना करी थी, जिसका जो है 101वां सदस्य देश कौन बन गया है, नेपाल बन गया है, और 100वां देश कौन बना था, तो 100वां देश बना था पराग्वे। ISA का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर,
नेपाल की राजधानी अगर पूछे कहाँ पे है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू में। सार्क या इसे कहते हैं दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना पूछे कब की गई थी, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर किसके साथ भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है, तो UAE के साथ किया है। ऑप्शन टू हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UAE के जो प्रिंस हैं, यानी कि जो वहाँ के कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है मोहम्मद अल नहयान। ये जो है अभी हाल ही में दिल्ली की यात्रा पर आए हैं, और यहीं पर जो है भारत और UAE के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। किसको लेकर, असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर जो है एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि परमाणु ईंधन का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। किसने कहा, तो भारत सरकार ने कहा है कि जो हमें परमाणु ईंधन के रूप में जो हमें UAE देने वाला है पदार्थ, उससे जो है हम परमाणु ईंधन, मतलब परमाणु ईंधन नहीं बनाएंगे, इसी परमाणु ईंधन के माध्यम से जो है हम क्या बनाएंगे, यानी कि हम बिजली बनाएंगे, यानी कि परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। तो जिसके लिए जो है ऐतिहासिक समझौता किया गया है, यानी कि परमाणु बम का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसी के बीच जो है एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो भारत से और UAE के बीच में यह समझौता हुआ है, तो UAE भारत को यूरेनियम देगा, जिसके माध्यम से भारत जो है बिजली बनाएगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ठीक है, तो कहाँ किया गया है यह समझौता, नई दिल्ली में यह समझौता किया गया है। ऐसे कुछ दिनों पहले जो है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, तो इसी प्रकार का समझौता हुआ था। किसके बीच, इंडिया और USA के बीच में यह समझौता हुआ था 2008 में। यानी कि इसमें यह कहा गया है 1-2-3 समझौता इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1-2-3 समझौता कहा जाता है। इसमें भी असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता किया गया है। इसमें यानी कि जो भी दुनिया के लिए या फिर फ्यूचर के लिए ईंधन होते हैं, यानी कि उनसे जो है अगर कोई विषैला मतलब भयंकर हथियार बनाए जा सकते हैं और उसका उपयोग जो है किसी अच्छे चीज़ में भी किया जा सकता है, तो वो जो भयंकर परमाणु बम होते हैं उसको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे UAE के साथ भारत ने समझौता किया है, यानी कि जो यूरेनियम भारत को UAE देगा, तो भारत उससे जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, तो बिजली बनाएगा। इसी प्रकार से 2008 में भी समझौता किया गया था, जिसे कहते हैं 1-2-3 समझौता। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं UAE की राजधानी का क्या नाम है, आबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। तीसरा हमारा प्रश्न है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाज़ार कौन सा है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा 5G स्मार्टफोन किस देश में है, तो पहले नंबर पर चीन है, और दूसरे नंबर पर अगर पूछे कि 5G का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कौन बन गया है, तो अपना प्यारा भारत बन गया है। इसकी व्याख्या देखें तो काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया में अगर पूछे कि 5G स्मार्टफोन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार कौन सा है, तो पहला सबसे बड़ा बाज़ार है चीन, दूसरा है सबसे बड़ा भारत, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है USA। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 159वां स्थान मिला है। हाल ही में यूनिसेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो करीना कपूर को यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है माइक सेट्टी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024, यह जो है किसके लिए, वाइल्ड मतलब होता है वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फिल्म निर्माता जिनका नाम है माइक पांडे जी को जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी फिल्म का क्या नाम है, तो इनकी फिल्म का नाम है वाइट शार्क इन इंडिया, यह इनकी फिल्म का नाम है, इसे याद रखेंगे। तो जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है माइक पांडे जी को। ठीक है, और यह अवार्ड अगर पूछे कहाँ प्रदान किया जाता है, तो मैरीलैंड USA में यह सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी जो है हाल ही में 17वें नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। किस फिल्म के लिए, तो कांतारा फिल्म के लिए दिया गया है, और यही जो है 17वें
बेस्ट फिल्म का अवार्ड अगर पूछे किसको मिला है तो अट्टम को मिला है, और यह फिल्म जो है मलयालम भाषा में बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पांचवा। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? तो CFMC और इसके बाद समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। गृह मंत्री अगर पूछे वर्तमान में कौन है तो अमित शाह जी हैं, और इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में I4C यानी कि I4C में एक सम्मेलन हो रहा था जिसमें अमित शाह जी ने भाग लिया है। किसमें? तो I4C में, यानी कि I4C यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिया साइबर क्लाइमेट कोऑर्डिनेशन सेंटर, और इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। और कब शुरू हुआ है? तो 1 जुलाई 2024 से यह शुरू हुआ है, यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इसका पहला स्थापना दिवस अगर पूछे कब मनाया गया है तो अभी यह जुलाई में मनाया गया है। और इसके बाद जो है इसमें भाग किसने लिया है, तो अमित शाह जी ने इसमें भाग लिया है। और यहीं पर जो है 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। एक तो साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए समन केंद्र की स्थापना की गई है, और दूसरा जो है समन्वय प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, और तीसरा साइबर कमांडो की स्थापना की गई है। तो याद रखेंगे I4C का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट अगर बात करें कि इन 3 केंद्रों का अगर पूछे कि लॉन्च किसने किया है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि साइबर हेल्पलाइन, अगर कोई साइबर हेल्पलाइन नंबर आप सभी को याद रखना है तो 1930 याद रख सकते हैं, यह हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज कहाँ हुई है? तो एक हल्दी की जो है एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है करकुमा उंगमेसिस, और पूछे कि इसकी खोज कहाँ की गई है, तो इसकी खोज की गई है नागालैंड में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। करकुमा उंगमेसिस यह जो है क्या है, यह हल्दी की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज अगर पूछे कहाँ की गई है, तो नागालैंड में की गई है। नागालैंड जो है अगर पूछे राज्य के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। इसलिए 1 दिसंबर को जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को जो है त्यौहारों का त्यौहार भी कहते हैं। अगर पूछे कि माउंट सारामती चोटी किस राज्य में है, अगर पूछे कि माउंट सारामती चोटी किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। और यहाँ के CM कौन है, तो नेफेरियो यहाँ के CM है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सातवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? तो साओरा अगर पूछे कहाँ का जो है आदिवासी समूह है, तो यह उड़ीसा का है। इसे जो है क्या मिल गया है, तो इसे निवास के अधिकार का जो है निवास के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं उड़ीसा के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विशेष रूप से कमजोर जो आदिवासी समूह हैं, ऐसे भारत में 75 समूह हैं, और सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हैं, और दूसरे नंबर पर कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में हैं। तो साओरा आदिवासी समूह जो है इसे भी हाल ही में निवास के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, और किसे किए गए हैं, किसके द्वारा, किस सरकार के द्वारा, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। क्योंकि जो साओरा आदिवासी समूह है ये कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसी प्रकार का जो है निवास का अधिकार जो है भाटिया आदिवासी समूह को भी दिया गया है। भाटिया अगर पूछे किस राज्य का आदिवासी समूह है, तो मध्य प्रदेश का है, और कमार और बैगा इन दोनों आदिवासी समूहों को भी निवास अधिकार प्रदान किया गया है, और ये कहाँ के हैं, ये दोनों छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 मई को मनाया गया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS मालपे और INS मुल्की, ये दोनों जो है अगर पूछे क्या हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हैं, और इन दोनों को पूछे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो केरल से लॉन्च किया गया है।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो एंटी सबमरीन वारफेयर यानी कि पनडुब्बी को नष्ट करने वाला छोटा लड़ाकू शिप होता है और इसका नाम है आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की। ये दोनों जहाज़ हैं, क्या हैं, छोटे लड़ाकू शिप हैं और ये अभी हाल ही में कहाँ से शामिल किए गए हैं नौसेना में, तो केरल से शामिल किए गए हैं। ऐसे जो है कुल 8 जो है लड़ाकू शिप जो है भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे, जिनमें से 3 शामिल कर दिए गए हैं। पहला है आईएनएसए माहे, आईएनएसए मालवान, दूसरा है आईएनएस मंगरोल, ये जो है तीसरा है, चौथा जो है मालपे बन गया है, वो पांचवा जो है बन गया है मुल्की। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, 3 अभी और नए शामिल होंगे नौसेना में, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों कहाँ से शामिल किए गए हैं, केरल से शामिल किए गए हैं, यानी कि चौथा और पांचवा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड भी निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह रखी गई है उड़ीसा में। कहाँ रखी गई है, उड़ीसा में रखी गई है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण, भारत में इस प्रकार की जो है पहली बार जो है सिलिकॉन कार्बन विनिर्माण स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत जो है 620 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा और इसकी आधारशिला पूछे कहाँ रखी गई है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसकी आधारशिला रखी गई है और सिलिकॉन कार्बाइड भी निर्माण की आधारशिला रखने का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड भी निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 620 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पर स्थापित होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित होगा। AICT विश्व व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो हैदराबाद में स्थापित हुआ है। हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त जो है किसने लॉन्च किया है, तो यह नई दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो प्रोजेक्ट अभिषिक्त अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है और दिल्ली के अगर पूछे CM कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि अभी तक जेल में हैं। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको पहचानना, और इसके पहचाना कैसे जाएगा, तो जो टीचर हैं उनको जो है विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे जो है प्रतिभाशाली बच्चों को पहचाना जा सके। तो प्रोजेक्ट अभिषिक्त किसके लिए शुरू किया गया है, तो कह सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान करने के लिए शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में अभी हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ है, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 18 मई को मनाया गया है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से जो है 2-3 दिन हो सकता है ऐसे हम इवनिंग में क्लास लें, क्योंकि सब मॉर्निंग में किसी दिन हम आपको बता देंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ हमको काम से जाना पड़ता है, तो इस वजह से हम जो है शाम को क्लास जो है 18-19 तारीख तक हम अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम फिर मॉर्निंग में अपलोड कर दिया करेंगे। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी अच्छी ना बनी हो, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और शाम में थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे कल के वीडियो में सुधार करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।